जीरा छोटा सा टुकड़ा छह छबीला डाली हूँ हाँ। और क्या डाली हूँ, हाँ काली मिर्ची डाली हूँ और दालचीनी छोटा सा टुकड़ा और एक ठो क्या बोलते हैं बड़ा इलायची का छोटा सा टुकड़ा। हाँ और हम लोग इसमें कटा हुआ बारीक कटा प्याज करते हैं, जैसे इसको हरा हरा भी बनाना चाहो ना तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे तो, वो हरा धनिया धनिया वाला दिखेगा। हाँ मतलब खूब सारा प्याज काटना पड़ता है, खूब सारा टमाटर, जैसे आधा यहाँ पे इधर का प्याज और इधर टमाटर इतना रहेगा और वो अच्छा, जो मसाला बना है ना वो कम रहेगा और उसमें हरी मिर्ची का उपयोग करेंगे ज्यादा तेज। हाँ हरी मिर्ची का ज्यादा उपयोग, प्याज का और टमाटर का ज्यादा उपयोग करेंगे, वो भी बहुत टेस्टी बनेगा। और ये जो है सिर्फ मसाला से बना रहे हैं हम। जैसे उस दिन छोले में की थी ना मैम, उसमें टाइम लगता है उसको अच्छा, भूनने में। हाँ हाँ तो ना उसको पहले भूनने के लिए डाल देंगे फिर इसको। हाँ हल्दी 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच धनिया, 4-5 थोड़ा सा तीखा चाहिए ना चटपटा आप लोगों को। हाँ हाँ ठीक है, वही पानी में हिला के रख देंगे, ज्यादा भूनने में टाइम नहीं लगता। हाँ ये वाला क्योंकि इसको चीज भूनते जितना कलर लाओगे ना प्याज में तुमको उतना ही अच्छी टेस्टी बनता है। अच्छा ये सब बात में किसमें जानी, ये सब देखती हूँ यूट्यूब पर। हाँ ये तो क्या सबको मिक्स कर देती थी, एक साथ भूनते रहते थे। देखना चाहिए तो मस्त दिख रहा है। उसको बाद में डालेंगे, इसको थोड़े बाद में, इसको अच्छे से भूनते हैं। हाँ प्याज की तरफ से। हाँ तो ये हाँ ले मैं तो हाँ उसे बस कर ली हूँ चाची जुम करके। उसको हाई फ्लेम में वो करना है। नहीं चाची भाई ना कितना बढ़िया खुशबू आने लगा। हाँ चाची
साढ़े चार।